हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अभी सीधा मायापुर इस्कॉन में हूँ और ये है इस्कॉन टेम्पल। और ये जो है ये यशोदा भवन है। ये जो गीता भवन है ना, इसके ऑपोजिट में ही है, ये है यशोदा भवन, ठीक है ना। ये यशोदा भवन में हम जाएंगे। ये देखिए, ये जो है यशोदा भवन है, ये टूरिस्ट के लिए रूम मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह भी सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे रहने के लिए कैसा क्या सिस्टम है, कहाँ पर बुकिंग करना पड़ता है, ऑनलाइन में कैसे बुकिंग कर सकते हैं, फ़ोन करके कैसे बुकिंग कर सकते, पूरा डिटेल से बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर बैठने की जगह है। उसे ये जो देख रहे हैं इस टेम्पल के अंदर पे मायापुर सुंदर मंदिर, ये सब रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है ना। जो मंदिर के जो मेम्बर लोग है यहाँ पे, आप रूम ले करके या फ्लैट ले करके यहाँ पर रहते हैं महीने के ऊपर महीना, या आप यहाँ पर फ्लैट भी परचेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अभी जो मैं खड़ा हूँ ये मायापुर इस्कॉन टेम्पल के अंदर पे यशोदा भवन है, ठीक है। यहाँ पे आप आकर के रह सकते हैं, ये टूरिस्ट लॉज है, ठीक है ना, टूरिस्ट के लिए है ये भवन है, ठीक है। यहाँ पर रह सकते हैं, या तो आपको महाप्रसाद भी मिलता है, फूड वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे। रूम कैसे बुक करते हैं, ऑनलाइन में कैसे बुक करते हैं, फ़ोन करके कॉल करके कैसे बुक करते हैं, तो डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रसाद लेते हैं, लंच का प्राइस क्या है, डिनर का प्राइस क्या है, पूरा बताऊंगा आपको डिटेल्स की। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। तो अब तो फ्रेंड्स, अभी मैं यशोदा भवन के अंदर पे आ गया हूँ और पहले हम लोग महाप्रसाद के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, महाप्रसाद के लिए सब लोग लाइन पकड़ रहे हैं। और जो कूपन के लिए आपको जो काउंटर है, काउंटर से आपको कूपन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्रसाद लेके जाना चाहते हैं तो उसका रेट अलग है। अगर आप बैठ कर खाना चाहते हैं, यहाँ पे प्रसाद लेना चाहते हैं, उसका रेट भी अलग है। स्पेशल थाली मिल जाएगा यहाँ पे आपको 150 रुपीज़ दोपहर में, और रात को आपको 100 रुपीज़ करके, ठीक है ना। और तो अगर आप लोग इस्कॉन मायापुर में रहना चाहते हैं और यशोदा भवन में आप रूम बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी बुकिंग फैसिलिटीज है और इनका वेबसाइट में जाकर भी आप रूम बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, जो रूम रेट है वो भी उसमें दिया रहेगा। एक बार आइए, विजिट करिए इस्कॉन मायापुर में और एक बार रहकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।